वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग से लड्डू, वो कि कुकर में बनाने वाले हैं। बहुत ही आसानी से बहुत ही हेल्दी लड्डू। ना तो हमें यहाँ पे मावा की ज़रूरत है, ना तो हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ पे मिल्क की ज़रूरत है। और ये हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल दानेदार लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बहुत झटपट बनकर तैयार होगा, क्योंकि मूंग दाल के जो मूंग के लड्डू बनते हैं तो उसमें हमें झंझट भी लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमें मावा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से बिल्कुल कम खर्च में मूंग के साबुत मूंग के लड्डू बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने मूंग को अच्छे से साफ कर लिया था धुलकर और डाल दिए हैं, उसको प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। अच्छे से हमारा साफ हुआ था मूंग, हमने बिल्कुल फ्रेश मूंग लिया है। इसको हिलाते हुए बिल्कुल मीडियम आँच पर इसको हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक कुकर में बंद करके ऐसे हिलाते हिलाते बिल्कुल मीडियम आँच पर इसको हमें भूनना है। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मीडियम आँच रख के इसको बार बार हम हिलाते रहेंगे, और ऐसे ही 2 से 3 मिनट के बाद इसको एक बार हम हिला देंगे। और देखिए हमारी मूंग पल्लू ये अंदर से खूब अच्छे से सीख गया है। और जो हम इस प्रकार से लड्डू बनाते हैं ना, तो ये सोना सोना लड्डू बहुत अच्छा लगता है, और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा हमें लड्डू, और बिल्कुल टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है, और देखिए इसको हमने पलट लिया है। जिस हमने बाउल में लिया था उसी बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लिए हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और ये अंदर से बिल्कुल से सीख चुके हैं। इसको हमने मुँह में डाल के देखा तो ये बहुत अच्छे सोने सोने से लग रहे थे खाने में। और इसको हम एक मिक्सर जार में पूरा इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इसका फाइन पाउडर हमें बनाना है। देखिए हम इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इसको हम फिर से थोड़ा सा घी डालकर भून ले रहे हैं। अगर इसको हम भूनेंगे नहीं फिर भी ये, क्योंकि ये बहुत अच्छे से भून चुका था, लेकिन थोड़ा सा इसमें और टेस्ट आए इसलिए हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। और यहाँ पे हमने जिसमें पीस लिया था उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें इलायची पाउडर का भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे हमने ले लिया है घी, लगभग हमारा 300 से 400 ग्राम के लगभग घी होगा। हमारे यहाँ पे 300 ग्राम के लगभग घी है, घी हमारा इसमें हमने डाल दिया है। और ये देखने में ऐसे लग रहा है कि कम है, लेकिन हमने यहाँ पे घी का ज़रा ज़्यादा यूज किया है, क्योंकि हमारा जो हमने मूंग लिया था ना वो हमारी 1 kg मूंग थी, 1 किलो मूंग थी, इसीलिए हमें यहाँ पे घी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन इसमें मावा भी नहीं डालेंगे, मिल्क पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालना है, तो इसलिए इसमें घी रहेगा ज़्यादा तो अच्छा लगेगा खाने में भी। और यहाँ पे देखिए हमने इसको मीडियम आँच से बिल्कुल भून दिया है, इसको मीडियम आँच पे ही भूनेंगे ताकि इसका कलर ना चेंज हो और ये देखने में भी अच्छा लगे। इसको हम बिल्कुल मीडियम आँच से लगभग 10 मिनट तक भून लिए हैं, और देखिए हमारे जो पाउडर हमने मूंग का बनाया था ना बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया, और ये भून भी गया अच्छे से। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1 kg हमारा, ये यहाँ पे चीनी भी है, 1 kg हमारा मूंग था इसीलिए हमने यहाँ पे 1 kg चीनी ले लिया। अब चलिए हम इसमें चाशनी बना ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा देखिए भून कर तैयार हो गया। अभी इधर पर हम साइड में दूसरी कढ़ाई पर चाशनी बना लेंगे, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम इसमें मावा वगैरह का यूज़ नहीं किए हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 कप पानी, यहाँ पे हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, इसलिए हमें यहाँ पे पानी का थोड़ा ही यूज करना है, ज़्यादा हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। और इसको मीडियम आँच पे हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे, और ये हमारी चाशनी भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें ज़्यादा कड़ी चाशनी तो बनाना नहीं है, तार वाली चाशनी तो इसमें लड्डू में लगेगी नहीं, ऐसे नॉर्मल सी चाशनी जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसी चाशनी हमें यहाँ पे बनानी है। और देखिए यहाँ पे हमने चीनी मेल्ट होने के बाद यहाँ पे हमने लगभग डाल दिया है 100 ग्राम के लगभग, हमारी ये घर का ही मलाई है, हमने यहाँ पे डाल दिया है मलाई। मलाई डालने से इसका जो फ्लेवर है और बढ़ जाएगा और क्रीमी क्रीमी से अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे हमने डाल दिया मलाई, इसको भी मेल्ट होने के लिए छोड़ दे रहे हैं लगभग 2 से 3 मिनट तक, कि हमारी मलाई भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। अगर मलाई नहीं डालते फिर भी अच्छा लगता, क्योंकि हमने यहाँ पे घी की क्वांटिटी बढ़ा के रखी है, लेकिन थोड़ा मलाई था मेरे पास इसलिए मैंने डाल दिया, और ताकि ये खाने में भी अच्छा लगे इसको भी हम मिला ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने फूड कलर डाल दिया है, ग्रीन कलर का मेरे पास था, अगर नहीं रहता है तो नहीं डालते, फिर भी कलर अच्छा ही आएगा।
डाल दिए कलर, ताकि कलर फुल अच्छा लगेगा देखने में। और इसको हम बस हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमें यहाँ पे ऐसी चाशनी की ज़रूरत है। चाशनी हमारी बनकर रेडी हो गई। यहाँ पे हमने जो इलायची का पाउडर बनाकर रखा था उसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। और देखिए हमारी चाशनी कितनी कलरफुल, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो ये खाने में लड्डू हमारा कितना अच्छा होगा। और चाशनी बनाने के बाद हम चाशनी को ठंडा करेंगे कुछ देर के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम चाशनी को जैसे बाहर करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। और जिस कढ़ाई में हमने मूंग का पाउडर तैयार किया था ना, उसी में हम डाल देंगे चाशनी को, क्योंकि वो जिसमें हमने चाशनी बनाया था वो हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, इसलिए उसमें हमने नहीं डाला हुआ है। और हमने डाल दिया है इसमें, ताकि इसमें अच्छे से बन जाए। इसमें बड़े बर्तन की ज़रूरत है। और देखिए हमारी चाशनी और जो हमने पाउडर बनाकर रखा था ना, उसको हम अच्छे से मेल्ट कर ले रहे हैं। हमने इसको मेल्ट कर लिया अच्छे से। हम इसको मिलाते हुए, और ये बस इतना जल्दी से झोंक लेता है ना, तो इसमें हमें अपने घर में फैमिली मेम्बर की हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये 2 मिनट भी नहीं लगता और ये इसमें कितना बन जाएगा, इसका डो बहुत जल्दी बन जाता है ये। इसीलिए अगर किसी की हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। जल्दी से हमारा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना जल्दी ये इसका डो बनकर तैयार हो चुका है। और हम इसको अब चलिए लड्डू का सेप दे रहे हैं ऐसे मसलते हुए, क्योंकि इसमें ऑयल तो डाला हुआ है, क्रीम भी हमने डाल दिया था, इसलिए बहुत ऑयली है। बनने में बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखने में सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन हाथों से मसलते हुए भी इसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, इसको भी थोड़ा थोड़ा इसमें ऊपर से गार्निश करते जाएंगे। और हमारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे मिनटों में। देखिए जल्दी जल्दी से हम इसको झटपट बांध ले रहे हैं लड्डू को। और देखिए हमारे लड्डू कैसे बने हैं। अगर अच्छे बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार से अगर लड्डू बनाते हैं तो लड्डू का खाने में जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में ऐसे ही हमारी मम्मी लोग बनाती थी, तो हमने देखा था, इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लेकिन कैमरे में मेरी क्वालिटी की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए कलरफुल दिख नहीं रहा है। लेकिन वास्तव में ये बहुत कलरफुल, देखने में भी बहुत टेस्टी, खाने में टेस्टी, देखने में ब्यूटीफुल लग रहा था हमारा लड्डू। और ये कलरफुल लग नहीं रहा, लेकिन ये कलरफुल बहुत अच्छा बना था। कैमरे की क्वालिटी की वजह से ये कलरफुल आ नहीं रहा इसमें। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरह हमारी तरह से आप भी ट्राई करिएगा। देखिए हम इसको तोड़ के भी